दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि बहुत से ऐसी पोस्ट आती हैं, वैकेंसी आती हैं, जहां पे स्टेट के अलावा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जो है 2-3 सालों से बंद चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो आपका अगर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो उसी के बेस पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कुछ लोगों को अलॉट कर दिए गए हैं। और ऐसे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कैसे पता करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इधर बीच अपडेट हुई हैं और ऑटोमेटिकली जो है जो स्टेट रजिस्टर है उसी के माध्यम से नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट कर दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले NCSM की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले इन सब इसको देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं NCSM की वेबसाइट पर। NCSMIndia.org पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेशनल रजिस्टर नोटिफिकेशन आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए और नीचे आने के बाद यहाँ पर नेशनल रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। आप इस वेब पेज पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेट के ऑलरेडी दिखेंगे। गोवा, गुजरात, गुजरात का आयुर्वेद यूनानी दोनों है, हिमाचल प्रदेश का आयुर्वेद, जम्मू आयुर्वेद, जम्मू का सोवारीगपा जम्मू यूनानी, महाराष्ट्र का सिद्धा यूनानी आयुर्वेद, MP का यूनानी आयुर्वेद, वेस्ट बंगाल आयुर्वेद, पंजाब, पंजाब का आपका आयुर्वेद यूनानी है, उड़ीसा का यूनानी है, आयुर्वेद भी है, और UP का यूनानी और आयुर्वेद है। तो अब तक लगभग 7-8 स्टेट के डेटा जो अपडेट हो चुके हैं, और इसमें से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनके डेटा अपडेटेड है, जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको जो है डिटेल मिल जाएगा। आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि अगर हम आपको गोवा का दिखाते हैं तो गोवा पे आप जब क्लिक करेंगे आयुर्वेद पे तो देखिए गोवा की जगह हमने गुजरात का डाउनलोड कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ये लगभग 3267 पेज की बुकलेट डाउनलोड हो गई है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर पहले कॉलम में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसमें आप सर्च कैसे करेंगे तो ये PDF जो बुक है सर्चेबल है। आप इसमें ऊपर जब आप सर्च पे ऑप्शन करेंगे अपना नाम डाल के क्लिक करिएगा, क्लिक करेंगे तो आपका जो है नाम आ जाएगा दूसरे वाले जो कॉलम है इसमें आपका नाम है। और अगर आपको अपना स्टेट नंबर याद है, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। लास्ट वाले कॉलम में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट का यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपकी डिटेल मिल जाएगी, आपका एड्रेस मिल जाएगा, किस कॉलेज से आपने MD किया है और कहाँ से अपने BMS किया है, भी इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इस डेटा में अगर आपने नहीं भी कराया है नेशनल रजिस्ट्रेशन तो इसमें आपको अपना नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा भविष्य में अगर कोई भी पोस्ट निकलती है जहाँ पे नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाता है। तो धीरे धीरे काम चल रहा है, जल्दी ही सारे स्टेट का डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और वहाँ पे आप सभी को नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप उसको नोट कर लें और भविष्य के लिए आप उसको प्रिंट लेकर रख लें, आपके काफ़ी काम आएगी ये सूचना। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, जय हिंद।